हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे सेवंथ क्लास का चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी छोटी छोटी नदियों से मिलकर होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है भारतीय सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड में पड़ता है। और अगर इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की जाए तो गंगा नदी की जो मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं वो घग्गर नदी, सन नदी, चंबल नदी, गंडक नदी, कोसी नदी अन्य हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो मुख्य भाग हैं उनमें हम देखते हैं कि इसमें गंगा के जो प्लेन्स हैं, ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं उसके साथ ही साथ में माउंटेन्स हैं और हिमालय का निचला हिस्सा है, सुंदरबन डेल्टा है। ये मुख्य भाग जो है वो हमें इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में दिखाई देते हैं। इस एरिया में मानसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ मानसून की जो वर्षा होती है जून के मध्य से लेके सितंबर के मध्य तक होती है। यहाँ समर्स जो होती हैं, इसका मतलब गर्मियाँ जो होती हैं वो काफ़ी गर्म होती है और यहाँ पे सर्दियाँ जो होती हैं वो काफ़ी ठंडी होती हैं। ये जो माउंटेन वाले एरिया हैं इनमें बहुत अधिक ढलान देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। इसके पास में जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे लोगों का रहन सहन ज़्यादा है। यहाँ की आसपास की भूमि जो है वो काफी उपजाऊ है। जहाँ समतल भूमि है वहाँ पे लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर ही है और यहाँ पे जो मुख्य फसल है वो चावल है। अधिकतम लोग यहाँ चावल की खेती करते हैं क्योंकि चावल की खेती में पानी की अधिक आवश्यकता होती है और यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा वीट, मेज, सोरगम, ग्रेम और मिलेट जो है वो मुख्य फसलें हैं जो यहाँ लगाई जाती हैं। उसी के साथ साथ में कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन और जूट वो भी यहाँ लगाई जाती है। बनाना प्लांटेशन जो है वो भी इस एरिया में देखा जाता है। वेस्ट बंगाल और असम में यहाँ पे टी प्लांटेशन भी देखा जाता है। उसी के साथ साथ में यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन भी होता है क्योंकि सिल्क वर्म जो है वो बिहार और असम के एरियाज में मिलते हैं। यहाँ के जो माउंटेन्स और हिल्स हैं वहाँ पे ढलान थोड़ी कम है तो वहाँ पे भी फसलें उगाई जाती है। यहाँ के माउंटेन्स और हिल्स वाले इलाकों में टेरेस फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है थोड़े ढलान वाले इलाके होते हैं जिन्हें अलग अलग कदमों में बांट दिया जाता है और इस प्रकार से उन पे खेती की जाती है कि सारा पानी बहकर भी नहीं जाता और वह एक जगह जमा भी नहीं होता और धीरे धीरे ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है और सभी फसलों के भागों को ये पानी मिल जाता है और यहाँ आसानी से खेती भी हो पाती है। यहाँ के खेतों को टेरेस की आकृति दी जाती है ताकि पानी जो है वो तुरंत बहके नहीं चला जाए और यहाँ के लोग आसानी से खेती कर पाए। इस इलाके में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलते हैं। अगर मुख्य जानवरों की यहाँ बात करें तो उसमें एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकी ये मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। एक सींग वाला राइनोसोरस भी यहाँ पाया जाता है। उसी के साथ साथ में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे मछलियों की भी कई प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाली मछलियों के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पे यहाँ पाए जाने वाली जो मछलियाँ हैं उनका नाम रोहू, कटला और हिल्सा है। यहाँ का मुख्य भोजन चावल और मछली है जो यहाँ के लोगों का बहुत अधिक प्रिय है। यहाँ के लोगों को ये भोजन बहुत अधिक सूट करता है। यहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन यापन का एक साधन पानी की झील भी है। पानी की झील में वो विभिन्न प्रकार की मछलियों की खेती करते हैं और उन्हें वो मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं और इसी प्रकार से वो अपने जीवन का यापन करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है यहाँ के पानी में बहुत ही प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं और इससे इन मछुआरों का जीवन यापन करना भी बहुत अधिक आसान हो जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वहाँ पे बहुत बड़े
शहर और कस्बे बसे हुए हैं। उसके आसपास की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे बहुत अधिक जनसंख्या वाले इलाके यहाँ पाए जाते हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। उनमें से एक है वाराणसी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ और जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण यहाँ नदियों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के यहाँ पे चारों ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो उपलब्ध हैं, जिसमें आप रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज को देख सकते हैं। कोलकाता एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो रिवर हुगली पे पाया जाता है। इस बेसिन की जो दूसरी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी वो है टूरिज्म। जैसा कि आपने सुना होगा कि यमुना नदी के किनारे पे ताजमहल बसा हुआ है और ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से बहुत सारे लोग आते हैं और इसी के कारण से बहुत सारे लोगों का जीवन यापन आसानी से हो पाता है। अगर टूरिज्म के बारे में यहाँ बात की जाए तो मुख्य टूरिज्म जो स्थान है ताजमहल के अलावा जो है यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्ट स्तूपाज मिलते हैं और उसी के साथ साथ में लखनऊ में इमामबाड़ा है और असम में काजीरंगा है और उसी के साथ साथ में मनस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हमें देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ का जो आदिवासी कल्चर है यह भी एक देखने लायक वस्तु है।